नाम बोला मैं। हाँ, मेरा नाम संदीप प्रकाश। लोगों का दो दिन से आपको पता है कि बीच पे हम लोगों ने लंगर लगाया था उधर ओल्ड गोवा चर्च में, तो लोग वहाँ पे कुछ कारणों करके हमने लंगर थोड़ा बंद किया था। तो जो हमें कॉल आया था कि ओल्ड गोवा पुलिस से कॉल आया था कि आप कोई कंप्लेंट हुआ है ये करके कि आप लंगर बंद करो, उस इशू पे हमें कुछ नहीं पता था, हमारे रिटर्न कुछ नहीं मिला कि क्यों बंद किया, ये किया, खाली हमको बोला कि आप लंगर बंद कर दो कि कोई कंप्लेंट आई है। तो लोगों को लोग ना ये हमें कॉल कंटिन्यू मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि उस दिन हुआ क्या था, क्योंकि लोग हमारे मुंह से ये सच्चाई सुनना चाहते थे कि उस दिन हुआ क्या था, क्योंकि लोग कंटिन्यू मैसेज कर रहे हैं जहाँ पे लोगों का चर्च की मैनेजमेंट के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, गवर्नमेंट के ऊपर, गोवा पुलिस के ऊपर, और लोग हमारे को कंटिन्यू कॉल आ रहे हैं कि उस दिन आपके मुँह से, एक्चुअली उस दिन हमने लंगर चालू किया था, पहले पी आई साहब के पास गए, उनसे बात किया, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा है तो आप करो। हम लोगों ने वो करने के लिए वहाँ पे लंगर चालू किया। लंगर चालू करने के बाद पहला दिन 27 को बहुत अच्छा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो बाद में हमने सेकंड तक हम लोगों ने पुलिस पूछा कि सर हम थर्ड है, हम लंगर करना चाहते हैं, उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने कंटिन्यू दो से हम लोग रात से शाम से 2 तारीख को शाम से कंटिन्यू हमने अपना खाना बनाया पूरा जो था, बिल्कुल खुशी खुशी हमने वो पूरा प्रबंध अपना किया। तो हम लोगों ने 8-10 हज़ार लोगों का खाना फूड कुक किया। तो बाद में हमारे को 5 बजे हमने चालू किया ब्रेकफास्ट, बाद में हमारे को 10 बजे 9:30-10 बजे कॉल आता है कि आपको कोई कंप्लेंट किया है किसी ने, आप लंगर कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इस चक्कर में हमारे को हम लोग 10-15 मिनट में देखा, तो पहले तो हमारा बहुत मतलब दिमाग ऐसा इमोशन जैसा हो गया कि हमारे साथ ये क्या हो गया। बाद में हमारे को रिटर्न में किसी ने कुछ बोला नहीं कि लंगर क्यों बंद कर रहे हैं, ना हमें पता है कि क्यों करवाया जा रहा है, ना किसी ने बोला कि किस रीजन के लिए बंद किया जा रहा है। तो हमें, हम तो यही गवर्नमेंट से, तो हमें तो पता नहीं इसमें कौन इन्वॉल्व है, हमें तो कुछ जानकारी नहीं क्या हुआ, तो ना हमारे को किसी ने बताया। हम तो यही, हमारा तो लोगों से आप यही लोग कॉल करके पूछ रहे कि आप ये बोलो, सच्चाई बोलो क्या हुआ था। तो हमें तो वही डिमांड है कि हम सरकार से ये या पुलिस प्रशासन से, यही हमारी डिमांड है कि हमारे को एक्चुअली रीजन दिया जाए क्यों बंद किया, किसने कंप्लेंट किया, हमारे को उस आदमी का चेहरा तो सामने, नहीं तो नेक्स्ट टाइम हमारा क्या होता है, हमारा जो हौसला है ना फर्स्ट वेव से लेके किसी ने बंद नहीं किया, सेकंड वेव जब हॉस्पिटलों में जाके हमारे बंदे रिस्क लेके जा रहे थे तभी किसी ने बंद नहीं किया, जब भी हम लोग और भी सोशल काम करते हैं किसी ने बंद नहीं किया, हमारे को यही सुनना है कि क्यों बंद किया, हमारे को रीज़न क्या, कोई तो रीज़न होगा ना। एफडी वाले बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं है, पुलिस वाले को पूछा हमने, वो बोलते हैं कि वो लोग नाम मतलब बताना नहीं चाहते। हमें यही चाहिए कि हमारा ये इंसाफ चाहिए कि क्यों बंद किया, किस रीजन से बंद किया। देखिए ट्रैफिक वाले कुछ नहीं है कि ट्रैफिक तो पार्किंग लॉट में था, कोई वहाँ पर ट्रैफिक का इशू नहीं किया, हम लोग ज़्यादा क्राउड भी नहीं कर रहे थे, ट्रैफिक उधर पूरे मेंटेन हो रहा था, हम खुद गाड़ियों की पार्किंग, जेकर प्रॉब्लम होती थी खुद गाड़ियों की पार्किंग में लगाते, पूरा हमारे टीम उसको काम कर रही थी, लाइन में करा रही थी। हमें यही नहीं पता लग रहा था कि हमें तो यही है, अभी यही रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ दिया जाए कि किस बंदे ने कंप्लेंट किया, क्यों किया, किस मतलब किस टॉपिक के आधार पर हमारा लंगर बंद किया। हम तो सेफ्टी प्रोटोकॉल पूरा प्रॉपर फॉलो करते हैं, हमारा पूरा हाइजीन होता है, कोई काम नहीं है, सब आपने देखा होगा, सब ग्लव डाल के पूरा, कोई ऐसा नहीं है, धूल मिट्टी हमने पूरा कवर करके रखा था पूरा। मुझे लगता नहीं कि हमें बस यही है कि क्यों बंद किया, वही रीज़न चाहिए। पी आई साहब जब भी आए तो उन्होंने मेरे से बात करी, उन्होंने मेरे को साइड में ले जाके बोला कि ऊपर से बहुत प्रेशर है आप लोगों का, क्योंकि पी आई सर के पास जब भी हम लोग गए, जब भी हमको वहाँ करना था तो पी आई सर ने ही हमको परमिशन दी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने हम लोग को अप्रिशिएट किया और उन्होंने बोला कि आप जाओ वहाँ पे लगाओ, जहाँ आपको प्रॉपर्टी चाहिए आप हम वहाँ देते हैं। तो जब भी उनको तब ये नहीं पता था कि हम फ्री लगा रहे हैं, उन्होंने सोचा स्टॉल लगा रहे हैं, तो जब उनको फ्री बोला तो उन्होंने बोला कि आप फ्री पे लगा रहे हो तो आपको पार्किंग पे देते हैं हम लोग, क्योंकि आपके पास फ्री है तो वहाँ पे क्राउड बहुत हो जाएगा। उन्होंने खुद परमिशन दिया और उसके बाद जब भी उन्होंने बंद करने का आया तो उन्होंने मेरे को बोला आप लोग ऊपर से प्रेशर है हमको आप लोगों का लंगर बंद करवाने के लिए, और इसमें उन्होंने ये भी तक बोला कि यहाँ पे कोई फूड का या किसी का कोई दबाव नहीं है, उनको ऊपर से प्रेशर, और ये अभी है कि ऊपर से उनको किस चीज़ का प्रेशर आ रहा है वो हमको पता करना है। Very happy that we are doing the Goa CQ longer. The priest of old Goa. Father Patricio. He was very happy. And we don't know who has actually complained to the higher ups. It
remove our langar, and we need justice for them. Madam, that day when we came to take your bite, that time you directly allegation you have done Harpreet Singh, you took the name of the Harpreet Singh. Not Harpreet Singh, Mr. Yeah. Harvinder Singh. Harvinder Singh, sorry, Harvinder Singh. So that time you told us that Harvinder Singh has been... But actually we don't have any proof that he has done it. But even though if he has said anything against us, the police have to clarify regarding the same. That this fellow, Mr. Harvinder Singh, has given us a complaint. We are asking answers to the police. Why was our tent removed from there and why was our langar stopped? What you all want is the clarification from the police. Yeah. Over the reason behind the stopping of the langar. Stopping of the langar. This is what we are asking for. आमकां येवन ते बंद करूंक लायले पळय ते ताजेर एक व्हडलो एक प्रश्न आसा कित्याक लागून बंद केलेले आसा तर तरेतरेचे रिझन्स भायर काडलेले आसा आमकां ते क्लॅरिफिकेशन जाय की बाबा कोणें कंप्लेन केला कोणें इन्स्टिगेट केला दी एडमिनिस्ट्रेशनान की वेदर इट वॉज दी पुलीस वेदर इट वॉज दी ऑथॉरिटीज हू हॅज इन्स्टिगेटेड दॅट इनिशियली वी वर टोल्ड इट इज दी FDA Then they went on giving various other reasons. Now, if FDA had a problem, they should have come to the site. No, they should have come to the site and told us. Officials should have come and said, Baba, where is your license and all that kind of thing. There was no presence of any official of any administration over there to tell us. We were just told, please stop because this is your reason. This could be the reason. So, you know, we want the clarification because we want to put an end to this whole controversy as to where it all started and how it all started. एकदम एक्टिव हुआ था हमारा टीम और कोविड टाइम से हम लोग तरह तरह के जहाँ भी कभी प्रॉब्लम आता है या कुछ भी होता है इस बार हमारे जो कैथलिक भाई थे उन्होंने हमको बोला कि आप हमारे साथ टुगेदर आइए क्योंकि बाहर स्टेट से भी यहाँ क्या है जो फेस्ट रहता है वहाँ ओनली गोवा से लोग नहीं आते बाहर स्टेट से भी लोग आते हैं और वो क्या है कोई रात से चल के आता है या कोई सुबह आता है तो मे बी उनको भी खाने का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है तो उस हिसाब से उन्होंने हमको सपोर्ट किया और हमने उनके साथ मिलकर एक लंगर लगाया था और ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ गोवा में कि हमने ये लंगर लगाया था तो फर्स्ट डे जो 27 को लगाया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ लेकिन ये 3rd of December ये PI ने आके बोला कि हमको ऊपर से प्रेशर है और प्रेशर किसका प्रेशर है हम लोग यही क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि किसका ऊपर से प्रेशर आया कि वो लंगर हमारे गुरु नानक देव जी का लंगर बंद कराया ये भी हुआ कि हमारा लंगर बंद हुआ आज तक कहीं भी लंगर बंद नहीं हुआ जो हमारा यहाँ पे अभी किसको किसका प्रेशर गया किस वजह से गया वो पता नहीं हमको उसका कलेक्ट आई वाज सो जेनरस दैट ही गेव अस अ प्लेस दैट ही सेड यू कैन रन द पुलिस कैंटीन व्हिच विल बी एट द साइड योर ओन स्टॉल विल बी सो आई थॉट ऑफ इट दैट सी द पुलिस कैंटीन आल्सो दे आर गोइंग टू अर्न समथिंग ऑन दैट एंड वी गिविंग फ्री विल बिकम अ बिग प्रॉब्लम टू देम एंड इट वाज अ कमर्शियल प्लेस So we didn't want other vendors also to suffer. So I only have told PIC if there is a land where we can do it all of our own, like separately. So the PI said you can go to the parking lot. Now the parking lot is 500 meters away from the Basilica. So I feel that no vendor should be in trouble for their business because only the people who have parked the cars in the parking lot will be coming there. And the beggars. And why I have chosen that place was because the beggars, they would have made a big crowd over there. There would be a big problem over there. So that is why we landed to the